हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एफआई सिद्दीकी। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल वेल्डिंग ऑल टिप्स पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्वायर बट जॉइंट में कॉपर सीट को गैस वेल्डिंग डाउन एंड पोजीशन में कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कॉपर सीट में फॉक्सी एसेटिलीन गैस वेल्डिंग करने के लिए मैंने पहले से ही कॉपर सीट को स्क्वायर बट जॉइंट में सही रूट गैप के साथ मैंने सेट करके रख दिया है, क्योंकि टाइम बच जाए। इसलिए मैं अभी आपको कॉपर सीट में गैस वेल्डिंग से कैसे टैंक लगाए जाते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ।
यहाँ पर दोनों टैंक लग चुके हैं। यहाँ पर कॉपर बड जॉइंट में दोनों टैंक लग चुके हैं। मैं अभी इसे क्लीन करके बाद में वेल्डिंग करके आपको बताने वाला हूँ। टैंक लगाने के बाद सैंड पेपर से उसे क्लीन करना चाहिए, उसके बाद ही कॉपर शीट में वेल्ड करना चाहिए।
यहाँ पर वेल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं आपको क्लीन करके बताने वाला हूँ। ये ब्रास बट जॉइंट है, ब्रास बट जॉइंट का गैस वेल्डिंग से प्रैक्टिकल करके मैं बता चुका हूँ, मगर मैंने उस प्रैक्टिकल में ग्राइंडिंग करके यानी के वेल्डिंग को ग्राइंडिंग करके क्लीन करके मैंने नहीं बताया था, इसलिए इस प्रैक्टिकल में ब्रास वेल्डिंग को मैं क्लीन करके बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें, अगर मेरी चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताना। और फ्लेम सेटिंग और जॉब सेटिंग और ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्लांट सेटिंग के बारे में मैं बता चुका हूँ और मेटल को कैसे फिनिशिंग करना है उसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो।